बाल काटने के विवाद को लेकर एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से हमला कर दिया। दरअसल शहर के गांधीनगर थाना क्षेत्र मुक्तिपारा में रहने वाला दीपक टोपो लोगों के बाल काटने का काम करता था। आरोपी के बाल काटने को लेकर दोनों में विवाद हुआ, जिससे नाराज आरोपी ने घर में रखे सब्जी काटने वाले चाकू को लेकर युवक पर हमला कर दिया। हमले से घायल युवक दीपक टोपो को लोगों ने अस्पताल अंबिकापुर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दीपक को मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरी ओर आरोपी ने हत्या के बाद खुद थाने में आकर सरेंडर भी किया। बहरहाल पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ धारा 302 के तहत अपराध दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। कल शाम को थाना गांधीनगर को सूचना प्राप्त हुई कि मुक्तिपारा में वहाँ पे एक व्यक्ति के द्वारा एक अन्य व्यक्ति को चाकू घोंप करके गंभीर उपाधि कारित की गई है और उसको मिशन हॉस्पिटल लेके जाया गया है। तब मौके पर तत्काल पुलिस के स्टाफ पहुँचे वहाँ पे, तब जानकारी मिली कि जो घायल है उसका नाम है दीपक टोपो है और हॉस्पिटल में ही उसकी मृत्यु हो चुकी है। उसके उपरांत हम लोग घटनास्थल की तस्दीक कर ही रहे थे, सर्चिंग कर रहे थे, तो जानकारी मिली कि जो आरोपी है इमलियानुस मिंज है वो स्वयं थाने पे आके सरेंडर कर दिया है। तो हम लोग यहाँ पे आए तो थाने में वो मिला, हमने उनसे पूछताछ किया तो उसके द्वारा बताया गया कि बाल काटने की बात को लेकर मेरा उसे झगड़ा हुआ था और उसी झगड़े में मैंने घर से चाकू ला करके जो सब्जी काटते हैं उस सब्जी काटने वाले चाकू से उसके शरीर पर वार करके उसको मार दिया है।